हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय ट्यूशन। आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके कॉलेज से एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर आया। जो बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा डी फार्मेसी डी फार्मा कर रहे हैं और जो भी बच्चे का अभी पेपर चल रहा है री अपीयर मर्सी वाले बच्चे का, तो उनका एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज से निकल कर आया। दोस्तों, जो भी बच्चे का पेपर चल रहा है, जिस भी बच्चे का 27 को पेपर था, 27/9/2021 को पेपर था, उनका पेपर दोस्तों पोस्टपोन कर दिया गया है और उनका पेपर 27 को नहीं होगा। न्यू डेट शीट भी आ चुका है। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपके वेबसाइट पे भी नहीं आया है अभी लेट नाइट। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन कॉलेज को फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कल आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। जो पेपर 27/9/2021 को कंडक्ट होने वाले थे बोर्ड के अंदर, वह पेपर कैंसिल हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं, और वो पेपर 16/10/2021 को कंडक्ट होंगे सेम शिफ्ट के अंदर। तो जिस बच्चे का पेपर 27/9/2021 को था, अब वो पेपर 16/10/2021 को सेम शिफ्ट में पेपर देंगे सेम सेंटर के अंदर। और दोस्तों, आपका पेपर कैंसिल हुआ है ड्यू टू द फार्मर प्रोटेस्ट, मतलब किसानों का आंदोलन की वजह से दोस्तों आपका पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। और आपका पेपर अब न्यू डेट शीट के हिसाब से 16/10/2021 को होगा। इसमें जो दोस्तों फार्मर प्रोटेस्ट का जो 27 को हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन है, फार्मर प्रोटेस्ट है, इसके वजह से पेपर नहीं हो पाएगा। तो अब न्यू डेट पे 16/10/2021 को पेपर देने जाना है और इसका नोटिफिकेशन आपके वेबसाइट पे कल देखने को मिलेगा। मैं सोचा दोस्तों आपको नोटिफाई थोड़ा जल्दी कर दूं, तो आप अपने कॉलेज में कंसल्ट कर सकते हो, नोटिफिकेशन कॉलेज से ले सकते हो, नहीं तो आप कल तक वेट कर लेना, वेबसाइट पे कल आपको देखने को मिल सकता है। यही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था दोस्तों जो आपके पास शेयर करना था। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फैला देना दोस्तों में, ताकि सब दोस्तों का पता हो सके कि पेपर का क्या कुछ शेड्यूल है, ठीक है। न्यू शेड्यूल आ चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।